इस वक्त की बड़ी खबर जनपद गोंडा के खोडारे थाना क्षेत्र से, जहां की एक महिला ने पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर बदनियती के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उसने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर की है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति जेल में निरुद्ध है। बीते 20 दिसंबर की रात्रि में खोडारे थाना के दरोगा परशुराम सिंह कांस्टेबल श्रवण यादव ने पीड़िता के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरवाजा खोलो। पीड़िता के मना करने पर दरोगा ने कहा, तुम्हारे ससुर मेरे साथ हैं। इस बात पर विश्वास करके महिला ने दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद दरोगा परशुराम कांस्टेबल श्रवण यादव पीड़िता के घर के अंदर घुस आए तथा बदनियती के साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को जमा होते देख दरोगा व कांस्टेबल मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये हमारे आदमी को पुलिस वाले 4 महीने से बंद कर दिए हैं। उसके बाद 2 लोग रात में आए घरे, दरवाजा खटखटाए। वो कौन थे दो लोग? परशुराम और श्रवण। अच्छा, थाने से आए थे? थाने से आए हैं। तो कहीं ना आपके ससुर साथ में हैं, तुम दरवाजा खोले, नहीं सब घर में हल गए, घर में छेड़खाने की हैं। और जो हम गुहार मचाएं तो ये दोनों लोग भाग लिए। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं किया? गोंडा। अच्छा, गोंडा आपने दिया इसकी शिकायत।